Hello, Ken Opinions. This is your Ken Opinions and welcome back to Java programming tutorial, guys. आज मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूँ लॉजिकल स्टेटमेंट्स के बारे में, गाइस. तो लॉजिकल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं? लॉजिकल स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर्स आर यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट मल्टीपल कंडीशन. लेट से यू वॉन्टेड योर प्रोग्राम टू आउटपुट वेलकम ओनली वेन द वेरिएबल एज इज ग्रेटर देन 18 एंड द वेरिएबल मनी इज ग्रेटर देन. I mean to say, let me show you a example for that logical operator. Let's write some conditions here and let's declare some variables on integer age equals to, चलो 18 ले लेते हैं मान लिया, और कुछ declare करते हैं integer money मान लीजिए declare किया मैंने, उसको कर दिया 400. और अब मैं इफ स्टेटमेंट लगा रहा हूँ और इसमें लिख रहा हूँ यहाँ पे अगर एज इक्वल इक्वल्स टू 18 है और फिर मैं अगर इधर वापस से इफ लगाऊं और लिखूं और मनी भी इक्वल इक्वल्स टू 400 है तो एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट ये वाला हेलो. सेव किया, रन करते हैं इसे. तो चलो देखते हैं रन करने पे क्या प्रिंट होता है. अब ऑब्वियसली ये मैसेज हेलो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे. अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो बार इफ लिखा, इतना लंबा पड़ गया प्रोग्राम, लेकिन मैं और दूसरे किस तरीके से आसान बना सकता हूँ उस प्रोग्राम, वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके. अगर एज 18 है और एंड यानी कि एंड इस दो एंड का मतलब है एंड 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 मनी, ये दोनों जब कंडीशन ये दोनों फुलफिल होगी तभी ये स्टेटमेंट रन होगा. इसका मतलब ये है तभी ये रन होगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो प्रिंट करेगा. चलो इसको सेव करके और रन करते हैं फिर से. तो चलो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर फिर से हेलो प्रिंट हो गया. इसी तरीके से लॉजिकल स्टेटमेंट वर्क करता है. अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट ये पर्टिकुलर ये मैसेज हेलो प्रिंट होगा. और मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 600 मान लीजिए और अब रन किया तो अब बताइए मैसेज प्रिंट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा. और अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और, इसका मतलब अगर डबल पाइप सिंबल यहाँ पे है तो उसका मतलब है और. अगर मैंने ये इस बार दिया और रन किया तो क्या होगा? मैसेज प्रिंट होगा क्योंकि ये और ऑपरेटर है. यहाँ पे दो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं अपने पास, एक तो एंड एक और. एंड को तो डबल एंड से शो करते हैं और को डबल पाइप सिंबल से शो करते हैं. इस तरह ये एंड और काम करता है. अगर एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू है तो तभी उसके अंदर का स्टेटमेंट रन होगा, नहीं तो नहीं होगा. यहाँ पे और में अगर सिंगल कंडीशन एज या फिर मनी कुछ भी ट्रू है तो वो रन होगा, या फिर दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी और रन होगा. इस तरह एंड और ऑपरेटर काम करते हैं. तो इस तरह लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं एक्चुअली. तो वेल, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा. If you got any question or query regarding to logical operators, then you can ask me in the comment section below. Well, thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to hit that right button for getting updates of my channel. Also subscribe to my gaming channel, which is known as Gaming with Ken Opinions. Thank you guys.